सो वी आर गोइंग टू बाली। हमारी फ्लाइट अहमदाबाद टू हो चिन में थी। हम लोग हो चिन में सुबह पहुंच गए थे एंड देन 5 घंटे का कुछ लेओवर था वहाँ पे। देन अगेन हमारी बाली की देनपसार की फ़्लाइट थी। हम लोग को 4 बजे इवनिंग में पहुंच गए थे, बट इमिग्रेशन करते करते हमें बहुत समय लग गया। हम कुछ शाम को होटल पहुंचे थे 7 बजे के आसपास। हम लोगों ने रमाडा इन कोर बुक की थी एंड हम लोग उस दिन बहुत थक गए थे। हम लोगों ने स्विमिंग पूल में सिर्फ चिल किया वहाँ पे। नेक्स्ट डे हम लोगों ने अच्छा खासा हैवी ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए थे। एक्चुअली हम लोग चल के कोई बाइक रेंटल शॉप ढूंढ रहे थे सो दैट वी कैन रेंट अ बाइक एंड एक्सप्लोर द बाली। बट चलना भी बहुत ही प्यारा था और बाली का उस दिन का मौसम बहुत ही अच्छा था। हमको फाइनली एक बाइक मिल गई थी एंड वी वर हेडिंग टुवर्ड्स ताना लोट। आजू बाजू जो सीनिक व्यू था वो बहुत ही प्यारा था। देन वी फाइनली रीच द टेम्पल। टेम्पल पहुँचने में हमको 30 to 40 minutes लगे थे। ये आजू बाजू के एरिया में उनका शॉपिंग और कैफेज़ और रेस्टोरेंट्स है सारे। एंड देन ये गेट से उसकी एंट्री होती है टेम्पल की। एज यू एंटर द टेम्पल बहुत ही प्यारा सा एक सीनिक व्यू दिखेगा आपको। सामने इंडियन ओशन है और आजू बाजू उनके टेम्पल के ऑडिटोरियम्स और स्ट्रक्चर्स हैं। और एक चीज़ है, हम लोग ना पीक आफ्टरनून में चले गए थे जिसके कारण हमको थोड़ी सी गर्मी और धूप ज़्यादा लग रही थी। इफ़ यू वॉन्ट आप लोग अर्ली इन द मॉर्निंग या तो सनसेट के टाइम पे जा सकते हैं तो आप लोग को गर्मी भी कम लगेगी और मज़ा भी ज़्यादा आएगा। एंड सनसेट में तो एक फ़ायदा है, आपको यहाँ पे सनसेट व्यू भी मिल पाएगा। बट हम लोग क्योंकि पीक आफ्टरनून में पहुंच गए थे तो हम लोगों ने वहाँ जितना हो सके उतना ही इन्जॉय किया। हम कुछ 30 मिनट्स में ही निकल गए थे फिर वहाँ से। देन हम लोग को बहुत भूख लग रही थी तो हम लोग वहीं की जो लेन थी ना वहाँ पे रेस्टोरेंट था। वी सॉ सम वेजिटेरियन ऑप्शंस आल्सो तो वहाँ से हम लोगों ने खा लिया। देन वी वेंट टू कूटा बीच क्योंकि हमारा सनसेट मिस हो चुका था ताना लोट में, तो हमने सोचा हम कूटा बीच में सनसेट देख लेते हैं। एंड इट वॉज़ ब्यूटिफुल, काफ़ी अच्छी वाइब थी वहाँ की एंड द सनसेट वॉज वेरी प्रिटी। सनसेट देखने के बाद डिनर करने के लिए वहीं कूटा के बाहर शॉपिंग एरिया में इंडियन रेस्टोरेंट दिख गया था तो हम लोग वहाँ चले गए थे। जस्ट फुल्ली एंजॉयिंग द मील। एक तो देसी खाना मिल गया, ऊपर से वहाँ पे इंडियन सॉन्ग्स चल रहे थे, मज़ा ही आ गया था। खाना खाने के बाद हम लोग होटल वापस चले गए थे एंड हम लोगों ने रेस्ट कर लिया क्योंकि बहुत थक चुके थे हम लोग।